नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल तरफ से स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक रेडमी नोट 3 मोबाइल है। ये मोबाइल डेड हो गया दोस्तों, ये मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है और चार्ज भी लोड नहीं हो रहा है। हम ये प्रॉब्लम को ऐसा लुका बना है, वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हम इसको पहला क्या चक्कर बनाएगा बोलते, हमारे मोबाइल में शॉर्ट है नहीं कि पहला वो चक्कर बना होगा। बाद में उसके बाद में हमारे बैटरी में कितना वोल्टेज है कि वो भी चेक करना होगा। इसके बाद हम चार्ज अब इंसर्ट करके हमारे बैटरी पॉइंट सप्लाई आ रही नहीं कि हमारा पावर एसी को चार्ज सप्लाई आ रही नहीं कि वो भी चेक करना होगा। ये पूरा चेक करके हम जब कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम को डिफेंड करना होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पहला मैं आपको ये बता दूंगा, हमारा ये मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है। अब पहला मैं ये पावर बटन को ऑन करके मोबाइल ऑन होने की चेक करके आपको दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, पहला मैं मोबाइल को ऑन करने के लिए ट्राई कर देता है, पावर बटन प्रेस कर दिया है, लेकिन फिर भी ये मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। अब इसके बाद में हम क्या करना है, हमारा पावर बटन को सप्लाई आ रहा है नहीं कि हम चेक कर देना है। बाद में हमारे बैटरी पॉइंटों को पहला सप्लाई करता है वो चेक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हम पहला हम हमारे बैटरी में कितना वोल्टेज है चेक करने के लिए हम क्या करना, मीटर को डीसी 21 में रख देना है। देखिए दोस्तों, मीटर को डीसी 21 में रख दिया। रखने के बाद हमारा ये वी बैट पॉइंट होता है दोस्तों, वी बैट पॉइंट पर हम हमारा रेड प्रोब लगा देना है, ब्लैक प्रोब बॉडी पर लगा चेक कर देना है। देखिए दोस्तों, 3.8 की वोल्टेज तो है दोस्तों, 3.8 सप्लाई तो है। इसका मतलब क्या होता है, बैटरी बराबर है दोस्तों, सप्लाई तो हमारे बैटरी में सप्लाई तो बराबर से आ रहा है। इसके बाद में हमारा यह पावर बटन को सप्लाई आ रही नहीं वो चेक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा पावर बटन होता है, पावर बटन को भी सप्लाई आ रही चेक कर देना है दोस्तों। देखिए तो 1.6 वोल्ट है तो ये भी बराबर है दोस्तों, सप्लाई भी हमारे पावर बटन को आ रहा है। अब हम पावर बटन को भी हम ऑन करके प्रेस करके देखेंगे मोबाइल ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि मौके में ये स्ट्रिप को डैमेज होने की वजह से भी हमको मोबाइल तो ऑन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये पावर बटन को भी डायरेक्ट में बॉडी पर लगाकर चेक कर दिया, लेकिन फिर भी हमको मोबाइल तो ऑन नहीं हुआ है। अब हम क्या करना, चार्ज जब लगा के चेक करना है दोस्तों। और एक बात, मैं अब ये मोबाइल शॉर्ट है कि नहीं कि वो भी चक्कर के आपको बता देता है। हम वो शॉर्ट है चक्कर के लिए मीटर को बजे मोड में रख देना है। देखिए तो बजे मोड में रख दिया, रखने के बाद हमारा वेट पर बॉडी पर लगाना है, ब्लॉक रूप से हमारा वी बैट का सप्लाई चेक कर देना है। देखिए दोस्तों, 3.8 ने सप्लाई तो दिखा रहा है, ये बराबर है दोस्तों, सेम वही तक में अपोजिट भी हम चेक करना होगा। देखिए दोस्तों, 1150 दिखा रहा है, ये भी बराबर है दोस्तों। ये रीडिंग का मतलब क्या है बोलते, हमका ये पावर ऐसी बराबर है दोस्तों, पावर ऐसी बराबर होने की वजह से हमको 1150 दिखा रहा है। पावर ऐसे फेल्ड हुआ है तो हमको 700 500 600 ऐसा रीडिंग तो आ जाएगा, इसका मतलब क्या है तो ऑफ शॉर्ट है दोस्तों। अब ये बराबर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में हमारा ये बैटरी में वोल्टेज क्या था कि वो भी चक्कर के आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पावर बटन को सप्लाई क्या था कि वो भी चक्कर दूंगा मैं, 3.81 सप्लाई तो है, ये सप्लाई बराबर है दोस्तों। अब हम चार्जर लगा के चार्ज इंडिकेशन दिखता है कि नहीं वो हम चेक कर देना है दोस्तों। मैं अब वो हमारा ये बैटरी बूस्टर का बोर्ड से चेक कर देता है। देखिए दोस्तों, हम देखो तो हमारा बैटरी बूस्टर में वोल्टेज है 5.3 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, ये वोल्ट हमको चार्ज तो होना है हमको। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें हमको कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, इसमें लोड हुआ है तो हमारा बैटरी में लोड हो रहा है, ब्लू इंडिकेटर आ जाएगा। इसमें ब्लू इंडिकेटर नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। ओके, देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में हमारा ये पावर सप्लाई स्ट्रिप, हमारा ये सीसी बोर्ड से लेकर हमारा इस तक सप्लाई आ रहा है नहीं वो चेक कर देंगे। हम वो चेक करने के लिए फिर हम मीटर को डीसी 21 में रख देना है। देखिए दोस्तों, फिर मैं डीसी 21 में रख दिया है मीटर को, रखने के बाद फिर मैं हमारा ब्लैक बॉडी पर लगा देता है, हमारा रेड पर सप्लाई चेक कर देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा ये वीसीएच पॉइंट का सप्लाई होता है दोस्तों, हमारा इनपुट पॉइंट है, वीसीएच पॉइंट का सप्लाई है हमारा। ये पावर ऐसे होता है दोस्तों, पावर इसमें को ये सप्लाई से
हमारा ये VCS पॉइंट से सप्लाई इनपुट हो जाता है इसमें को, ये कैपेसिटर तक आता है, इसमें से इधर इनपुट होता है दोस्तों आईसी में को। इसका मतलब क्या है, ये सप्लाई भी बराबर से आ रहा है। इसका बाद में हमारा वी बैट पॉइंट को सप्लाई करता है चक्कर, ये हमारा वी बैट पॉइंट होता है दोस्तों, ये इधर से इनपुट होता है आईसी में सप्लाई, ये इधर से बाहर तक आ जाता है, ये हमारा वी बैट पॉइंट होता है दोस्तों, इधर सप्लाई बाहर आ जाता है, ये 3.8 सप्लाई है दोस्तों। हमारा ये बैटरी का वोल्टेज इधर दिखा रहा है, ये भी बराबर से दिखा रहा है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बैटरी ओपन करके चेक करेंगे, बैटरी का स्टिक ओपन कर दिया है, ओपन करके चेक कर देता है, ये देखिए दोस्तों अब भी सप्लाई तो नहीं दिखा रहा है। ये हमको बैटरी बराबर होने के बाद हमारा धर्मिस्टर और आईडी पॉइंट्स है देना दोस्तों, और धर्मिस्टर और आईडी पॉइंट्स बराबर से अटैचमेंट हुआ है तो इसमें से बूस्टिंग वोल्टेज बनकर हमको चार्जिंग होने के लिए सप्लाई आ जाएगा आउटपुट वी बैट पॉइंट को इसी से, नहीं तो हमको ये सप्लाई नहीं आएगा दोस्तों। हमको इसमें धर्मिस्टर और आईडी पॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, इसलिए हमको इससे आउटपुट वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। और एक बात देखिए दोस्तों, अब इसमें हम बैटरी रिमूव करने के बाद इसमें ब्लू इंडिकेटर आना जाना हो रहा है, ब्लू इंडिकेटर आ रहा है और जा रहा है, फ्लिकर हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है बोलते, ये मोबाइल ऑन और ऑफ हो रहा है, मेन से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है बैटरी का, ये बैटरी का प्रॉब्लम होने से हमको ऐसा मोबाइल लोड लेकर फिर ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लोड लेता है फिर ऑफ होता है, मेन से इसमें बैटरी का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, बैटरी का प्रॉब्लम होने की वजह से हमको ऐसा ऑफ हो रहा है, लोड लेकर ऑफ हो रहा है। अब हम इसको बैटरी प्रॉब्लम है कि नहीं कि हम चेक करने के लिए हम आईडी बूट केबल से भी हम इसको ऑन करके देख सकते हो, नहीं है तो ऐसा कौन सा भी एक, ठीक है दोस्तों, एक एमआई का सर्किट है दोस्तों, डेड बैटरी का सर्किट है, ऐसा एक सर्किट लेकर हम इस सर्किट को हम यहां पर अटैचमेंट करके भी चेक कर सकते हो दोस्तों। अब मैं ये कैसा चेक करना है कि आपको बता दूंगा, ये लगा के फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये सर्किट को एक रेडमी बैटरी का सर्किट को लिया है, लेकर ऐसा चार वायर आ रहे है उसको, ये चार वायरों को एक वी बैट पर लगाना है, वी बैट का वायर वी बैट पर लगाना है, या हम चक्कर में दोस्तों वी बैट का कहा है कि ग्राउंड का है कि धर्मिस्टर का कहा है कि आईडी का कहा है कि सेम हम देख लेना है, देख कर हम चेक करके वी बैट का वी बैट पर लगाना है, ग्राउंड का ग्राउंड पर लगा देना है, और वी बैट का साइड में धर्मिस्टर रहता है, धर्मिस्टर का सप्लाई लगा देना है, उसका साइड में वाला आईडी पॉइंट को लगा देना है, और लास्ट वाला ग्राउंड पर लगा देना है सर, ये तरीके से ऐसा लगा देना है, ऐसा लगाकर हम देखिए सेम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेम वही तरीके में हम ऐसा चार वायर से हम जम्पर वायर का मदद से ऐसा लगा लेना है दोस्तों, ऐसा लगाकर हम एक नॉर्मल वाला बैट भी लेकर वी बैट को और ग्राउंड को सप्लाई दे देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा एक नॉर्मल वाला बैटरी लेकर हम वी बैट को सप्लाई देना है, फेस सप्लाई ग्राउंड को ग्राउंड सप्लाई देना है, देकर हम चेक कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं ग्राउंड पर ग्राउंड वोल्टेज दे देता है, देखिए दोस्तों ग्राउंड पर ग्राउंड दिया है, अब वी बैट का सप्लाई वी बैट पर देता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा वी बैट सप्लाई होता है, इसलिए मैं वी बैट कर देता है। ओके, देखिए दोस्तों ये तरीके से देखकर हम हमारा मोबाइल में चार्ज हो रहा है कि ना, मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं, कि हम एक बार फिर और एक बार चार्ज लगा के देखेंगे हम। ओके
ओके देखिए दोस्तों, हमको यार ग्रीन बल्ब आ गया है। इसका मतलब क्या है बोलते, हमको मोबाइल तो लोड हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लोडिंग इंडिकेशन आ गया है, मोबाइल ऑन हो गया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है बोलते, हमको मोबाइल चार्ज हो रहा है या रेड इंडिकेटर भी बल रहा है। देखिए दोस्तों, रेड इंडिकेटर जल रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल भी ऑन हो जाएगा। मैं चार्जर रिमूव करके एक बार मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर जाता है। देखिए दोस्तों, ओके देखिए दोस्तों, मोबाइल भी ऑन हो गया है। हमको ये तरीके में मोबाइल भी ऑन हो गया है हमारा। ये मोबाइल में बैटरी भी सही से दिखा रहा है और वोल्टेज भी सही तरीके में है, लेकिन मोबाइल तो फिर भी ऑन तो नहीं हुआ है ये बैटरी पर हमको। इसका मतलब क्या है बोलते, इसमें सेंटर का थर्मिस्टर और आईडी पॉइंट दोनों में प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। इसका वजह से हमको ये मोबाइल ऑन नहीं हुआ है बैटरी पर, हमारा बैटरी पर ये मोबाइल ऑन नहीं हुआ है। हम ऐसा मौके में ऐसा एक और एक अलग सर्किट लेकर जम्पर करके भी चेक कर सकते हो। नहीं है तो हम और एक अलग बैटरी आपके पास रहे तो वो भी लगाकर हम चेक कर सकते हो। नहीं तो ये बीच में नया मॉडल के डेटा केबल्स भी आ रहे हैं, इसको मोबाइल पावर केबल्स बोलते हैं उनको। पावर केबल्स रखने के बाद भी रख के भी हम डीसी मशीन से ऑन करके चेक कर सकते हो दोस्तों, हमारा मोबाइल का बैटरी प्रॉब्लम है या नहीं है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम चेक करके मोबाइल का डेड कंडीशन चेक करके मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोबाइल तो ऑन हो गया है, वहां प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है दोस्तों। ओके ये तरीके से हम चक्कर लेना है दोस्तों, ऐसा चक्कर में हम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। ये तो ऐसा होना है। अब हम ये बैटरी को फिर हम ये अलग बैटरी को रिमूव करके बैटरी लगाकर आपको बता दूंगा। ओके अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी एक नॉर्मल बैटरी, मोबाइल का नॉर्मल बैटरी और एक हमारा एमआई बैटरी का सर्किट बोर्ड लेकर हमारा नॉर्मल मोबाइल को कई चेक करना है कि वो भी बता दिया है। हमारा नॉर्मल बैटरी और एमआई का सर्किट, ये दोनों से हम हमारा मोबाइल को कई चेक करना है कि अब मैं ये बता दिया है। और फिर हमारे पास ये पावर केबल और ये शॉर्ट किलर प्रो, ये दोनों नेक्स्ट टाइम पर हम नॉर्मल बैटरी से और हमारा ये सर्किट से कौन सा तरीके से हम मोबाइल को ऑन करना है कि बता दिया है। अब मेरे पास ये शॉर्ट किलर प्रो है और ये पावर केबल भी है, इससे भी ऑन करने का तरीका मैं आपको बता देता है। अब हम इसमें क्या रखना है बोल दो, 4 वोल्ट सप्लाई तो रख देना है। देखिए दोस्तों, 4 वोल्ट ही सप्लाई है, सप्लाई रख दिया है और 3 एम्प सप्लाई तो रख दिया है दोस्तों। एक बार जूम करके बता देता है मैं। ठीक है दोस्तों, 4 वोल्ट सप्लाई और 3 एम्प रख दिया है, वोल्टेज 4 वोल्ट रख दिया है। अब ऐसा रखने के बाद हमारा पावर केबल लगा दिया है, इसको हम ये पावर केबल लगाकर हमारा मोबाइल को ऑन कर देना है। इसमें कौन सा पोर्ट सूट होता है हम वो पोर्ट को इसमें लगा देना है दोस्तों। अब इसमें सूट हो रहा है कि बता दूं मैं। देखिए दोस्तों, ये रेड कलर वाला सेट होता है इसमें, इसलिए अब मैं रेड कलर का पोर्ट इसमें लगा देता है। देखिए दोस्तों, रेड कलर का पोर्ट लगा दिया है, लगाकर अब हमारा मोबाइल को ऑन कर देता है। ओके देखिए दोस्तों, मोबाइल तो ऑन हो गया है। अब हमारा मोबाइल में लोड कितना ले रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, 2 एम्प तक सप्लाई तो लोड ले रहा है ये, इसलिए मैं आपको ये इसमें 3 एम्प
रख दिया है। यहाँ पर 1.5-2 एम तक लोड तो ले रहा है, इसलिए मैं 3 एम रख दिया दोस्तों। इससे कम रखा तो आपको ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। हमारा मोबाइल को एंड्रॉइड बोर्ड से, एंड्रॉइड का बैटरी बूस्टिंग बोर्ड से हम इजी तरीके से हमारा मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है कि हमको इजी से मालूम हो जाएगा इसमें। ओके, देखो दोस्तों मोबाइल हमारा आसानी से ऑन हो गया है। यही तरीके से हमारा मोबाइल ने कौन सा प्रॉब्लम है कि चेक करके डिफेंड करके कर लेना दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम हुआ है बैटरी दोस्तों, बैटरी वजह से मोबाइल डेड हो गया है, चार्ज भी नहीं हो रहा है और मोबाइल भी ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा टेक्निकल वीडियोस पूरा मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू दोस्तों। हमारा मोबाइल सही तरीके दिखाने के बाद में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, इसलिए हम क्या करना, सभी सही तरीके बताने के बाद में भी इसका बीएसआई टेम्प और धर्मिस्टर आईडी पॉइंट प्रॉब्लम होता है, ये होने की वजह से मोबाइल डेड हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम एक बार बैटरी चेंज करके देख लेना है, नहीं होता ऐसा पावर केबल रहता हमारे पास, पावर केबल लगाकर ऑन करके देख लेना है दोस्तों। थैंक यू।